बीती शाम बी टाउन के लिए बड़ी ही खास रही। भाई आखिर बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने अपने विदेशी बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोरे संग सगाई जो कर ली है। 22 साल की उम्र में आलिया ने शेन के साथ एंगेजमेंट की है। ऐसे में इस मौके पर बॉलीवुड से भी कई सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बी टाउन के स्टार किड्स ने तो अपना जलवा बिखेरा ही, तो वहीं जिस शख्स ने सबकी निगाहें अपने ऊपर की वो रही अनुराग की एक्स बीवी और एक्ट्रेस कल्कि केकला। जी हाँ, कल्कि अपने पूर्व पति की बेटी की सगाई में मेहमान बनकर पहुंची थी, वो भी पूरी तरह से बन ठन कर। बैकलेस ब्लाउज और पेस्टल टोन साड़ी में कल्कि जहाँ गजब की खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं कल्कि यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड गाय हर्षबर्ग और बेटी सफो के साथ पहुंची थी। अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए कल्कि मीडिया के सामने पोज देती नजर आई। वही नजारा तो तब खास बन गया जब कल्कि के साथ उनके पूर्व पति अनुराग कश्यप भी मीडिया के सामने दिखाई दिए। जी हाँ, तलाक के बाद कल्कि और अनुराग का यूं एक साथ एक फ्रेम में दिखना सबकी अटेंशन को ग्रैब कर गया। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर कल्कि और अनुराग की ये तस्वीरें सामने आई, ये वायरल भी होने लगी। वैसे सिर्फ कल्कि ही नहीं बल्कि अनुराग की पहली पत्नी और आलिया कश्यप की मां आरती बजाज भी बेटी की सगाई में पहुंची। आलिया की मां आरती बेबी पिंक कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद प्यारी दिख रही थी, वहीं अनुराग बेटी की सगाई के मौके पर ऑल ब्लैक आउटफिट में दिखे। आपको बता दें कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने दो शादियां की हैं। अनुराग ने पहली शादी साल 1997 में फिल्म एडिटर आरती बजाज से की थी। शादी के बाद दोनों एक बेटी आलिया के पेरेंट्स बने, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया और 12 साल की शादीशुदा लाइफ को इन्होंने 2009 में तलाक लेकर खत्म कर दिया। पहली पत्नी से अलग होने के बाद अनुराग की जिंदगी में एक्ट्रेस कल्कि केकला आई। फिल्म देवडी के वक्त दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद अनुराग और कल्कि साल 2011 में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद ही इनके रिश्ते में खटपट आने लगी। जब दोनों के बीच कुछ सुलझ नहीं सका, तब अनुराग और कल्कि ने अपनी राहें अलग करने का फैसला लिया और फिर साल 2015 में दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो गए। बताया जाता है कि अनुराग के गुस्सेल नेचर की वजह से इनके रिश्ते में दरार आई थी। साथ ही उनका नाम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से भी जुड़ने लगा था। हालांकि तलाक के बाद भी अनुराग और कल्कि के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम है। अनुराग अपनी पहली पत्नी आरती से भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। वहीं कल्कि की बात करें तो अनुराग से तलाक लेने के बाद कल्कि ने गाय हर्षबर्ग को डेट करना शुरू किया। साल 2020 में ही कल्कि ने बॉयफ्रेंड संग एक बेटी का स्वागत किया था। बिना शादी के ही कल्कि बेटी की मां बनी। अब वो बॉयफ्रेंड और बेटी संग हैप्पीली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।